बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वायरल सिंगर हिमांशु का सपना अब पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया पर अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर होने के बाद उन्होंने फेमस कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ गाना भी रिकॉर्ड किया और अब उन्हें 10 गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। बिहार आने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हिमांशु से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं हिमांशु यादव से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता रितेश मिश्रा ने। डिजिटल जमाना है, अब वायरल होने पर आपको प्रसिद्धि मिलती है और प्रसिद्धि मिलने के बाद आपको नाम और शोहरत और काम भी मिलता है। और ऐसे ही एक वायरल शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम है हिमांशु यादव, और इनके नाम को आपने सुना भी होगा, जो अपने गानों से वायरल हुए हैं और इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं कि अब इन्हें बॉलीवुड से ऑफ़र मिल चुका है। सीधे हम हिमांशु यादव से ही बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके गाने तो वायरल हुए और वायरल इतने ज़्यादा हो गए कि अब हिमेश रेशमिया ने आपको बुला लिया, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना दर्शकों का प्यार मिला और मैं यही उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी हिमेश सर के चैनल से जो भी गाने आएंगे, और अभी तक 2 गाने सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुए, तो बहुत सारा प्यार मिला है दर्शकों का और उम्मीद है कि और भी प्यार मिलेगा। ये बताइए कि कुछ लोग होते हैं कि शौकिया गुनगुना लेते हैं और कुछ लोग बचपन से सिंगर होते हैं, आप क्या हैं? जी, मैंने बचपन से ही म्यूज़िक सीखा है और क्लासिकल म्यूज़िक का मैंने तालीम लिया है। जब मैं 7-8 साल की उम्र में था तब मेरी माँ ने मुझे सिखाना शुरू किया और उसके आगे की जो शिक्षा थी मैंने देवानंद ठाकुर सर से, हाजीपुर में रहते हैं, उनसे लिया। फिर मैं आगे की जो शिक्षा के लिए मैं दिल्ली गया। ये गाना कैसे वायरल हो गया, कैसे हिमेश रेशमिया के पास पहुंचा, क्या कुछ उन्होंने बताया? सर, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब कि ये जो गाना है आना शुरू हो गया था, जैसे मैंने डाला, फिर मेरे वीडियो को डाउनलोड करके अलग अलग लोगों ने अपने प्रोफाइल से भी डालना शुरू किया, तो ट्विटर के माध्यम से मुझे हिमेश सर की टीम से कॉल आया था। तो देखिए, हमारे साथ उभरते हुए सिंगर, वायरल सिंगर हिमांशु यादव थे जिनका एक गाना वायरल होता है, हिमेश रेशमिया देखते हैं और फिर इन्हें मुंबई बुलाते हैं और आज देखिए कि ये बॉलीवुड के पार्ट हो चुके हैं और हिमेश रेशमिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 गाने की रिकॉर्डिंग इनसे करा लेते हैं। अब आने वाले समय में हिमांशु भी एक बड़े नाम होंगे और जाहिर सी बात है कि बिहार के हैं तो बिहार के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना।